गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन एंड डियर पेरेंट्स। बच्चों आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं, अपने घरों में हैं और एकदम सुरक्षित हैं और पढ़ाई कर रहे हैं ना? हाँ, आपको पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। बच्चों आज हम लोग व्याकरण आनंद भाग एक पाठ 11 इन्हें क्या कहते हैं, पाठ 12 आओ जाने और पाठ 13 आओ लिखे पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग सभी अपनी व्याकरण आनंद की पुस्तक निकाल लीजिए, पेज नंबर 61। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इन्हें क्या कहते हैं। बच्चों आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? हाँ, ये है इंजेक्शन। हम जब बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हमें इंजेक्शन कौन लगाता है, कौन दवाइयां देता है? हाँ, डॉक्टर। डॉक्टर हमारा इलाज करता है, हमें इंजेक्शन लगाता है, हमें दवाइयां देता है। ये क्या है बच्चों? हाँ, सैनिक। और ये तो सैनिक क्या करता है? हमारे देश की रक्षा करता है, हमें दुश्मनों से बचाता है, है ना? इसमें पहला है जो विद्यालय में पढ़ाने जाता है। विद्यालय में पढ़ाने कौन जाता है? अध्यापक। अध्यापक। दूसरा है जो खेती करता है। खेती कौन करता है? किसान। तीसरा है गोपी डाक बांटता है, वह डैश है। डाक का अर्थ क्या होता है बच्चों? पत्र या चिट्ठी। तो चिट्ठी या डाक कौन बांटता है? हाँ, डाकिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोस्टमैन, डाकिया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इन पशु पक्षियों की बोलियां लिखिए। बोलियां मतलब वे कैसे बोलते हैं। ये क्या है बच्चों? शेर, जंगल का राजा। इसकी आवाज कैसी होती है? दहाड़ने की। ये क्या करता है? दहाड़ता है। ये क्या है बच्चों? ये तो आप लोगों के घरों में होगा ना? हाँ, इसे हम कुत्ता कहते हैं, पपी। इसकी आवाज कैसे होती है? भौ भौ, है ना? इसमें पहला है कबूतर। कबूतर कैसे करता है? गुटर गू। कौवे की आवाज कैसी होती है? काव काव, है ना? हमारा तीसरा पॉइंट है इनके घर को क्या कहते हैं। जिसमें हम लोग रहते हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं? घर, है ना? ये किसका घर है? हम लोगों का, मनुष्य का, इंसान का घर है। ये क्या है बच्चों? घोड़ा। घोड़े के घर को क्या कहते हैं? अस्तबल। इसमें हमारा पहला है मछली। मछली किसमें रहती है बच्चों? पानी में, जल में।
दूसरा है शेर। शेर कहाँ रहता है? गुफा। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, इनके बच्चों को क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या है? कुत्ता। और उसके बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला। ठीक है, ये है हिरण। और उसके बच्चे को क्या कहते हैं? शावक। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा। बकरी के बच्चे को मेमना। और मुर्गी के बच्चे को चूजा। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, चित्र देखो और चित्र के बारे में एक वाक्य लिखिए। ये आपको चित्र दिख रहा है बच्चों, इसके बारे में आपको एक छोटा वाक्य लिखना है। देखिए यहाँ ये किसका चित्र है? मछली। मछली से हम क्या वाक्य लिख सकते हैं? मछली जल में रहती है या मछली पानी में रहती है। तो यहाँ हमारा पहला चित्र है कबूतर। कबूतर से हम क्या वाक्य लिखेंगे? कबूतर सफेद है या कबूतर शांति का प्रतीक है। यहाँ हम लिखेंगे कबूतर शांति का प्रतीक है। दूसरा चित्र किसका है बच्चों? मछली। तो हम यहां लिखेंगे मछली पानी में रहती है। बच्चों पेज नंबर 61 से लेके 72 तक आपके वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, जिसे आपको देख करके अपने व्याकरण आनंद की पुस्तक में ही करना है। और जो आज हमने आपको पढ़ाया है उसे आप अपनी रफ कॉपी में लिख लिख के याद करेंगे। धन्यवाद।